फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको इस कैमरे का यूज़ करना सिखाऊंगी। एंड और गाइस, बहुत इजी होता है यूज़ करना इसको, और इसकी सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं। और गाइस, अगर कुछ और मतलब अगर आपको तभी मेरे समझाए पर मतलब मेरे समझाने पर भी आपको समझ नहीं आता है, तो आप जो इस मेमोरी कार्ड जो आता है नोट्स, तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर गाइडलाइन सब कुछ शो हो जाएगा, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड तो इसमें से आप यूज़ कर लेना, तो मैं इसी में से आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये बता रहे थे कि वीडियो कैसे शूट किया जाता है। तो पहले तो आपको चार्ज होना, आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए, और साथ ही जो नीचे देख सकते इधर चार्ज करने का ऑप्शन है, और ये जो आपको ये दिख रहा है मेमोरी कार्ड है। तो ये मेमोरी कार्ड आप डाल लेना तभी होगा। एंड जब मेमोरी कार्ड डाल लेंगे आप, तब जाके आपको यहाँ से ऑन करना होगा। ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, तो अब इसे ऑन कर देंगे। तो आप जब इसे ऑन करते थे, यहाँ पे ब्लू लाइट जलेगा, तो आपको पता चलेगा ये ऑन है। तो अगर आप फ़ोटो क्लिक करते गए, एक बार क्लिक करेंगे तो रेड निशान आएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा आपका फ़ोटो क्लिक हो गया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम पहले फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर बाद में वीडियो शूट करेंगे। तो हम और इसे पहले फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो ऐसे सामने रखेंगे कैमरा। एंड जब फ़ोटो क्लिक करेंगे, रेड कलर का यहाँ पे ब्लैंकिंग होगा, आप ध्यान से देखना। तो एक फ़ोटो क्लिक हो गया गाइस। एंड फिर सेकंड फ़ोटो क्लिक करेंगे, इसी तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। यहाँ देख सकते हैं रेड कलर की लाइट जली थी, तो यानी कि एक फ़ोटो क्लिक हो गया। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने एक प्लांट की फ़ोटो क्लिक करी, एक सामने एक और प्लांट है मेरी, तो मैं इसकी भी फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ऐसे आप फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। जब आपका फ़ोटो क्लिक हो जाता है, तो आप इसे कैसे ऑफ़ करेंगी? तो इसे ऑफ़ करेंगे तभी आपका जो फ़ोटो है वो सेफ होगा। तो आप इसे ऑफ़ कर देंगे यहाँ से, तो आपका जो है वो जब ऑफ़ करेंगे तो ब्लैक एंड ब्लू एक साथ चलेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी फ़ोटो सेफ होगी या और ये ऑफ़ भी हो चुका है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे फ़ोटो क्लिक करना है। जब इसे ऑन करेंगी, उसके बाद ब्लू लाइट ऑन होगा, और इसके बाद जब फ़ोटो क्लिक करना हो तो एक बार क्लिक करेंगी तो आपका राइट लाइट दर्श हो जाएगा, यानी कि आपका एक फ़ोटो क्लिक हो गया। फिर दूसरी फ़ोटो क्लिक करेंगे, फिर दूसरा रेड लाइट शो होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपको दूसरी फ़ोटो क्लिक हुई है। तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब वीडियो कैसे शूट किया जाए, तो वीडियो के लिए भी आप फिर से ऑन करेंगे। जब फ़ोटो क्लिक करें तो ऑफ़ कर देना, तब जाके सेफ होगा। तब आप अगर आप देख रहे थे वीडियो शूट करके, और गाइस अगर आप अंधेरे में भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो बहुत अच्छी आती है मतलब की फ़ोटो, एंड मतलब क्लियर आता है एकदम। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कैमरा ऑफ़ करके, मतलब कि लाइट ऑफ़ करके। तो उसके लिए पहले तो मैं लाइट ऑफ़ करके आपको एक और फ़ोटो क्लिक करके दिखा देती हूँ। तो मैंने लाइट ऑफ़ कर चुकी हूँ, तो अभी लाइट ऑफ हो गया। तो मैं फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन कर लेती हूँ ताकि आपको कैमरा नज़र आए। तो यहाँ देख सकते हैं, और मैंने ऑन और अभी से फ़ोटो क्लिक करते हैं अंधेरे में। तो अंधेरे में देखते हैं कि कैसा आता है फ़ोटो। तो अंधेरे में फ़ोटो क्लिक करेंगे और इस तरीके से, तो एक फ़ोटो क्लिक हो गया अंधेरे में। तो ऐसे आप यूज़ करेंगे, और तो अंधेरे में इस तरीके से कुछ फ़ोटो आएगा क्लियर। और तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एक फ़ोटो क्लिक हो गया दूसरा भी। तो आप इसे वापस से ऑफ़ करेंगे तो आपका वो जो फ़ोटो है वो सेफ हो जाएगा। तो ये अंधेरे वाला भी था, ऐसे लाइट ऑफ़ करते हैं तो, और लाइट ऑफ़ करने पे भी आपका जो फ़ोटो है क्लियर नजर आएगा। अगर ज़्यादा ही मतलब कि ए भी लाइट नहीं चल रहा, हल्का सा रोशनी नहीं आ रहा है, तो तभी भी परछाई आपकी नज़र आएगी, परछाई टाइप की नज़र आएगा फिर। और अगर नॉर्मल कैमरे से आप फ़ोन के कैमरे से क्लिक करते हैं तो अंधेरा नज़र आएगा, बट ज़्यादा ज़्यादा अंधेरा भी ज़रूरी नहीं है। जैसे लाइट कट जाती है आपकी, तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, ऐसे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। एंड अब वीडियो शूट कर लेते हैं, तो हम लाइट ऑन कर लेती हूँ मैं। तो गाइस, एंड तो मैं इसे लाइट ऑन कर रही हूँ, और तो ऐसे यूज़ करेंगे। और तो हम अब इसे वापस से ऑन करेंगे, तो यहाँ से आप ऑन कर लेना। एंड तो यहाँ से मैं ऑन कर रही हूँ इस तरीके से, तो ऑन कर दिए। अब जब ऑन हो जाएगा तो फिर से ब्लू लाइट जलेगा। और जब आप फोटो वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप इसको 1 सेकंड तक दबा के रखेंगे, ये जैसे फोटो क्लिक होता है और जैसे वीडियो शूट होता है, तो आप ऐसे यूज़ करेंगे।
तो 1 सेकंड तक ऐसे दबा के रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो आपको 3 बार या 4 बार ब्लैंकिंग होगा ब्लू लाइट, तो आपको पता चलेगा कि आपका वीडियो शूट हो रहा है अब। तो ये वीडियो शूट हो रहा है गाइस, और तो इस तरीके से आप वीडियो शूट कर सकते हैं। वॉइस भी आपको अच्छी वॉइस, इसमें वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ऐसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। एंड तो धीरे धीरे आप घुमाएंगे कैमरे को, जिससे कि आपका वीडियो और भी अच्छा आए, तो ऐसा भी यूज़ करेंगे। तो गाइस आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे यूज़ करना होता है इसे। तो अब इसे वीडियो जब शूट हो गया तो अब इसे ऑफ़ करेंगे, तो आपका जो वीडियो है वो अपने आप ही वो हट जाएगा, तो ब्लू एंड रेड एक साथ चलेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा आपका वीडियो सेफ हो चुका है फोल्डर में। एंड तो ऐसे यूज़ करेंगे, तो अभी ये सेफ हो गया है, जब ऑफ करेंगे तो आपका वीडियो जो है स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे यूज़ करेंगे आप फोटो क्लिक, फिर से अगर फोटो क्लिक करना तो फिर से इसे ऑन करेंगे फिर ऑफ कर देंगे, तो ऐसे यूज़ करना है आपको। एंड अगर इस मेमोरी कार्ड में जब ये मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में आप डालेंगे तो कंप्यूटर में आपको दिख जाएगा, और फोटो में भी अलग से दिख जाएगा ये और उसकी फोटोज है, मतलब फ़ोन में भी, तो ऐसे यूज़ करेंगे। और गाइस ये तो कुछ इसके फीचर्स एंड ऐसे यूज़ करेंगे अब इसका। अगर इस कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो आप उस डाउट का मैं आपको क्लियर करूँगी। तो गाइस ऐसे यूज़ करेंगे गाइस। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार।